अभी जो है बी नंबर का सॉल्व करना है। बी नंबर का है 1535। तो सेम पहले इसका निकालेंगे स्क्वायर रूट। तो पहले इसको पेयर कर लिया, दो दो नंबर राइट साइड से ले लिए। 15 आया पहला नंबर, तो 4 4 16 बड़ा होता, 3 3 9, तो इसलिए यहाँ पे 3 ऊपर 3, ठीक है। 3 3 कितना होता, 9 9। 15 माइनस 9 6, 35 आज एड नीचे ले लिया कॉपी, तो ये हुआ 635। अब ये 3 एज नीचे कॉपी करना इधर, तो 3 प्लस 3 इज 6, ठीक है। अब आगे करना है, अब ये हो गया 6, इस अपने पास है 635। तो अपने को लाना है ये नंबर 635 या फिर 62 या फिर इससे छोटा। अब 6 है, यहाँ पे एक नंबर लेना है, सेम ये नंबर नीचे लेना है, मल्टीप्लाई करना है, तो या तो ये आना चाहिए या भी इसे छोटा, ये तो आएगा नहीं, तो इसे छोटा आएगा, कौन सा आएगा। तो यहाँ पे आपने कर लेना 67 मल्टीप्लाई 7 68 मल्टीप्लाई 8, तो ऐसा करते आएगा 69 मल्टीप्लाई 9, 70 का बड़ा हो जाएगा 70। और यहाँ पे इसे भी यहाँ पे अपन नंबर ले सकते हैं, ये चेंज नहीं होना चाहिए। तो 9 9 81, 9 6 54, 62 61 आ गया, इसलिए लिखा यहाँ पे 61। 69 है ना, तो इसलिए यहाँ पे लिखा 69, यहाँ पे ऊपर 9, यहाँ पे 61। तो इसका अगर माइनस किया तो आता 14, यहाँ 14 ले लिया। अब ये 9 एज इट इज नीचे कॉपी कर लिया, 9 प्लस 9 इज 18 और 6 प्लस 1 इज 7 78। तो यहाँ पे अपना रिमाइंडर कितना आ गया, 14। तो ये हो गया अपना लीस्ट नंबर, जो आपने सब्ट्रैक्ट करना है, ये नंबर होगा 14। तो इसलिए आप लिखा लिस्ट नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1535 इज 14, जो रिमाइंडर होता है ना वो। तो ये अपना एक तो आंसर आ गया। अब सब्ट्रैक्ट करने के बाद सच में ये स्क्वेयर रूट इसका निकलता है क्या, वो देखना है अपने, परफेक्ट स्क्वायर होता है क्या वो देखना है। तो ओरिजिनल नंबर कितना है, 1535 लिखा है यहाँ पे, माइनस ये नंबर आ गया 14, तो -14 = कितना आता, 1521। तो इसका देख लो हमने स्क्वायर रूट निकाल के, तो इसका आंसर जो है वो आएगा 39। मतलब कि ये जो नंबर अपन ने निकाला वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो ये होगा अपना आंसर, रिक्वायर्ड अपना स्मॉल नंबर कौन सा है, 14, और परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर कौन सा है, 1521। ओके, उसके बाद देखो आपको होमवर्क जो है वो सी नंबर का ये सॉल्व करना है।